नमस्कार दोस्तों, अखबारवाला.com में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं पल्लवी त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या दीपोत्सव में 5.5 लाख दीयों से रोशन होगी रामनगरी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें अयोध्यावासी 5.5 लाख दीये प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, देहरादून और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी ट्रेनें। रेलवे के वाणिज्यिक निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि एक ट्रेन देहरादून से मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी। यह ट्रेनें यूपी के कई जिलों से होकर गुजरेंगी। रेलवे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनें कर रहा है संचालन। आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल पीपल्स पार्टी का हुआ विलय। गोमती नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पूर्वांचल पीपल्स पार्टी के नेता अनूप पांडे ने कई कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी का किया विलय। प्रदेश प्रभारी का कहना है कि यह कोई एक दिन में लिया फैसला नहीं, विस्तृत बातचीत के बाद यह लिया गया है फैसला। यूपी में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ पीलीभीत पुलिस की अनोखी पहल। मिशन शक्ति के तहत पीलीभीत पुलिस ने शहदों पर लगाम लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 4 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में महिला इंस्पेक्टर छात्रा बनी है, वहीं कोतवाली बीसलपुर के सिपाही ने मनचले की भूमिका निभाई है। डॉक्यूमेंट्री में छात्राओं को शहदों से बचाव के तरीके बताकर जागरूक करने का है उद्देश्य। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार का ज्ञान देते नजर आए इंस्पेक्टर, वीडियो वायरल। मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कोतवाली का है, जहां इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद एक लकड़ी ठेकेदार से रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही यह भी नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि पैसा जमा कराओ और एक नहीं 4 पेड़ काट कर ले जाओ। मामला संज्ञान में आते ही विजय धूल ने इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। उन्नाव में पत्रकार की हत्या, रेलवे किनारे मिला शव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक का शव गुरुवार को रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला। परिजनों ने महिला दरोगा पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने SI सुनीता चौरसिया, उसके चालक अमर सिंह और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि मृतक लखनऊ स्थित एक न्यूज एजेंसी में कार्यरत था। लखनऊ की GMU भर्ती घोटाला मामले में दोषी अफसरों को क्लीन चिट। के GMU में समूह ग की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले पर हुई सुनवाई, जिसमें कार्यपरिषद ने जांच कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल अफसरों को क्लीन चिट दे दी है। शुक्रवार को KGMU कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की हुई बैठक। बता दें कि साल 2004-05 में KGMU में समूह ग के 94 पदों पर हुई भर्ती में गड़बड़ी के लगे थे आरोप। दीपावली के दिन शाम 7 बजे के बाद मेट्रो की सुविधा उपलब्ध नहीं। दीपावली के दिन मेट्रो सेवा रहेगी प्रभावित। UPMRC ने शाम 7 बजे के बाद संचालन बंद करने का किया है फैसला। UPMRC के जनसंपर्क कार्यालय के मुताबिक 14 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही मेट्रो का संचालन किया जाएगा। सीएम योगी रामनगरी पहुंचकर अयोध्या वासियों को देंगे दिवाली तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दीपोत्सव के समारोह में होंगे शामिल। इस मौके पर करीब 1 दर्जन विकास परियोजनाओं की घोषणा करने की कवायद लगाई जा रही है। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक मुख्यमंत्री नई परियोजनाओं की घोषणा करने के साथ ही वर्तमान विकास परियोजनाओं के बारे में भी कर सकते हैं बात। दीपावली पर यूपी पावर कॉरपोरेशन ने 24 घंटे बिजली देने का किया ऐलान। यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि दीप पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दीपावली तक 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश गुरुवार से ही होगा प्रभावी। इस संबंध में विभागीय अभियंताओं को दिए गए निर्देश, कहा गया है कि तकनीकी फॉल्ट की सूचना मिलते ही उसे तत्काल किया जाए। ठीक, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और अखबारवाला.com की वेबसाइट पर फॉलो करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।